सबलाइन नंबर। तो आइए फिर से एक नए टॉपिक की तरफ बात करते हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब एक नया टॉपिक हमारे पास यहाँ पर सबलाइन नंबर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज की यहाँ पर जरूरत है, जो हमारे पास जरूरत है परफेक्ट नंबर की, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो एक बार आप उस वीडियो को थोड़ा सा समझ ले, देन हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, सबलाइन नंबर की तरफ। पहले यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं एंड देन इसके बाद एग्जांपल के साथ इसे पूरा क्लियर करते हैं। तो पहले डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो सबलाइन नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैज अ परफेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर 16 लिया, तो 16 के फैक्टर कौन कौन से है, 1, 2, 4, 8 एंड 16, ये हमारे पास 16 के फैक्टर्स है। ये जो कितने हमारे पास यहाँ पर, ये 5 है, कितने हैं 5। ये जो फैक्टर्स निकल कर आने चाहिए, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है हमारे पास, 6 होता है। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर विच हैज अ परफेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने 16 काउंट किया, एंड हूज पॉजिटिव फैक्टर्स एड अप टू अनदर परफेक्ट नंबर। मतलब दोबारा समझते हैं यहाँ पर, पहले हमने कहा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, परफेक्ट नंबर होने चाहिए। एंड देन अब जब हम उन फैक्टर्स को एड अप करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक और परफेक्ट नंबर मिलना चाहिए। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर बताते हैं, इसका एग्जांपल होता है हमारे पास 12। तो 12 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इंक्लूडिंग, यहाँ पर 12 हमारे पास। ओके काउंट कीजिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर हमारे पास ही कितने फैक्टर निकल के आते हैं, 6 निकल के आते हैं, और 6 हमारे पास क्या, हमारा परफेक्ट नंबर। पहले कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पॉजिटिव नंबर विच हैज अ परफेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, देन नेक्स्ट कंडीशन एंड हूज पॉजिटिव फैक्टर्स एड अप टू, मतलब इनका सम फाइंड करना है हमें, फाइंड करते हैं यहाँ पर, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 6 = 16, 16 + 12 हमारे पास कितना आता है यहाँ पर, 28। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हूज पॉजिटिव फैक्टर एड अप टू अनदर परफेक्ट नंबर, मतलब जो सम है हमारे पास वो अगेन एक परफेक्ट नंबर निकल कर आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है 12। कमाल की बात हमारे पास ये है कि सबलाइन नंबर के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, पहला आप देख चुके हैं और सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है 6 0 8 6 5 5 5 6 7 0 2 3 8 3 7 8 9 8 9 6 7 0 3 7 1 7 3 4 2 4 3 1 6 9 6 2 2 6 5 7 8 3 0 7 7 3 3 5 1 8 8 5 9 7 0 5 2 8 3 2 4 8 6 0 5 1 2 7 9 1 6 9 1 2 6 4। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जो कि 76 डिजिट का एक नंबर है। हमारे पास सबलाइन नंबर के दो ही एग्जांपल थे, फर्स्ट 12 और जो आपने दोबारा सुना, दोबारा प्रोनाउंसिएशन नहीं करने वाले हैं।